दोस्तों, हमारे शरीर के लिए विटामिन डी का मिलना बहुत ज़रूरी है और विटामिन डी का संबंध इंसान की हड्डियों से है। विटामिन डी शरीर को मजबूत बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और शरीर में अगर विटामिन डी नहीं है तो आदमी की मृत्यु भी जल्दी होती है और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और डायबिटीज़ भी ज़्यादा हो जाती है और भी तमाम बीमारियां हो जाती हैं विटामिन डी ना होने के खातिर। लेकिन दोस्तों, ये बात याद रखिए कि विटामिन डी का जो मेन स्रोत है, वो है सूरज की धूप। अगर आप रोज़ 15 मिनट धूप में शरीर को रखेंगे तो विटामिन डी का उत्पादन आपके शरीर में होने लगेगा। जब आपके शरीर में 15 मिनट की धूप बैठती है या मिलती है तो शरीर आपका विटामिन डी का उत्पादन करना शुरू करता है। लेकिन जाड़ों के मौसम में कम से कम आपको आधा घंटे धूप में बैठना पड़ेगा, हाँ, और तब आपको विटामिन डी मिलेगा। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आप जनवरी महीने के 30 दिन एक घंटा डेली धूप में बैठते हैं तो साल भर के लिए विटामिन डी मिल जाती है। दोस्तों, विटामिन डी का दूसरा स्रोत है अंडा। जो लोग अंडा नहीं खाते तो विटामिन डी लेने के लिए धूप में बैठना बहुत अच्छा रहता है। और दोस्त, आप का शरीर पूरी तरह से, शरीर का हर अंग सूरज की रोशनी में आई तब आपको विटामिन डी मिलेगा।
हमें ये भी पता चला कि वैज्ञानिकों ने जब इस पे रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि कम से कम 1 मिलियन लोगों को विटामिन डी की कमी है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि 1 बिलियन लोगों को विटामिन डी की कमी है। हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप धूप की सिकाई सुबह 15 से 20 मिनट लीजिए ताकि आपके शरीर में जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो सके। दोस्तों, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके सामने बहुत सारी चीज़ें जो हमारे शरीर में उपयोगी हैं उनको ला सके और आपका जीवन स्वस्थमय बना सके। धन्यवाद।